जमकर जश्न मनाया। संजय सिंह ने केजरीवाल समेत आप नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। संजय सिंह ने कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल भी छूटेंगे, लेकिन बीजेपी कह रहे हैं कि आप कार्यकर्ता ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे संजय सिंह बरी हो गए हों, बल्कि सच तो यह है कि कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है। संजय सिंह ने अपने घर जाने से पहले केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के घर पर जाकर उनकी पत्नी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। करीब 6 महीने बाद संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आए तो आप कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा। शराब घोटाले में आरोपी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जैसे ही जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए तो घर वालों के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। आप कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे और संजय सिंह कार पर चढ़कर उनका हाथ जोड़कर आभार जता रहे थे। तिहाड़ से बाहर आने के तुरंत बाद संजय सिंह ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। संजय सिंह जेल से बाहर आने पर बोले, जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल भी छूटेंगे। सबसे बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को इन जेल की तरफ अगर पीछे रखा गया है, मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे। संजय सिंह तिहाड़ से सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल के पैर छुए, भावुक सुनीता ने उन्हें गले लगाया। इसके बाद संजय सिंह की पत्नी और सुनीता केजरीवाल भी गले मिले। केजरीवाल के घर से संजय सिंह और उनके समर्थकों का काफिला सीधे आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पहुंचा। पूरे रास्ते आप कार्यकर्ता संजय सिंह के समर्थन और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। संजय सिंह कार में बैठकर हाथ जोड़कर अपने समर्थकों को धन्यवाद देते रहे। अब आपने संजय सिंह की अगुवाई में 7 अप्रैल को जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ा सवाल था कि पार्टी का लोकसभा चुनाव में क्या होगा। आज वो तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। ये वही मंच है जहां पे आम तौर पे अरविंद केजरीवाल होते थे मंच पे और उनके साथ संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। आज जब तिहाड़ जेल से 6 महीने बाद संजय सिंह बाहर आए हैं तो उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भर दिया है। स्पीच में, अपने भाषण में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में नारे लगाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना ताना, बीजेपी के खिलाफ निशाना साधा और साथ साथ ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी को ही सबसे ज्यादा फंड मिले हैं इस पूरे अभियान में इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर निशाना साधते हुए। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। संजय सिंह जब पार्टी ऑफिस पहुंचे तो बीजेपी के खिलाफ जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमों से वो डरने वाले नहीं हैं। मैं बताना चाहता हूं, ये आम आदमी पार्टी है, हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं, तुम्हारे किसी बदर घुड़की से डरने वाले नहीं हैं, तुम्हारे किसी बदर घुड़की को डरने वाले नहीं हैं। जहां संजय सिंह ने आप नेताओं को शराब घोटाले में राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जेल का जवाब जनता वोट से देगी, वहीं बीजेपी बोली, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। दिल्ली की महान जनता, जिसके नेता को आज जेल में रखा गया है, मैं उससे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि जेल का जवाब वोट से दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने जो जैसा करा है उन्होंने वैसा भर रहे हैं। बाकी देखिए, 100 बात की एक बात यह है कि हम तो कह रहे हैं कानून को अपना काम करने दीजिए। कानून जिसको दोषी समझेगा उसको सजा मिलेगी।
आप मुख्यालय के बाद संजय सिंह रात करीब 11 बजे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पहुंचे और उनके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने सिसोदिया की पत्नी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इससे पहले संजय सिंह जब हॉस्पिटल से आए तो वो व्हीलचेयर पर दिखाई दिए, तब उनकी तबीयत खराब बताई जा रही थी। लेकिन कुछ घंटों बाद जब वो जेल से जमानत पर बाहर निकले तो उनकी एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज ने सभी को हैरान कर दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज तक से खास बातचीत में केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी वाली छवि एक्सपोज होने पर तंज कसा। जब इनका भोला सा चेहरा बनाकर आते थे, ये कहते थे मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं तो केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, वो राजनीति में आए और भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए। आज दिल्ली की जनता देखिए कितनी पीड़ा में होगी। जिस व्यक्ति ने पानी तो पहुंचाया नहीं शराब मुफ्त में देने का, या शराब का एक बड़ा घोटाला करके दिखाया, जो कल तक कहते थे ये कांग्रेस भ्रष्ट है हाथ नहीं मिलाऊंगा, बस कुछ नहीं किया, खुद भी मिलाया, पत्नी को भी हाथ मिलाने के लिए भेज दिया है। जब से शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से आप और बीजेपी में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। अरविंद ओझा और अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन।